मैंने ज्ञान लिया था 2007 में, और ज्ञान लेने से पहले और ज्ञान लेने के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है समझ में। जो सच्ची समझ कही जाती है वो मुझे मिल गई, वो उसका यकीन हो चुका है। यकीन होना बहुत मुश्किल मुश्किल काम है, और यकीन दिलाना किसी को वो भी बहुत मुश्किल काम है। और मुझे अब यकीन है कि इससे आगे और जानने के लिए कुछ बचा नहीं है। ज्ञान के बाद तो बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ है। पहले जो मैं सुखी हो गया वो मानते थे, वो अब वैसा लगता है कि नंबर लाइन देखा कि पहले भाई -40 को पॉजिटिव समझ लिया था, अब वो ऐसा नहीं है। वो अब समझ में आता है कि पहले जितने दुखी हुआ करते थे सुख मान के भी, वो उसकी जगह अब एकदम असली सुख क्या है वो समझ में आता है। और वो मुझे ही लगता है ये आजकल कोई भी अनुभव करवा पाता है ऐसा। आजकल की ज़िंदगी में तो यानी शुरुआत से ही वैसा है कि ऐसा करो वैसा करो, इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए इतना चाहिए, इसके बिना कुछ कुछ नहीं होगा, इसके बिना सुखी हो ही नहीं सकते। और उसकी वजह से उन अपेक्षाओं की वजह से पागलों की तरह जिसके पीछे भाग रहे हैं, और वो मिलने के बाद सुखी होने सुख की कोई गारंटी ही नहीं है। और फिर देखा जाए तो जितना चाहिए 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 मुझे जैसे जो जो चाहिए 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 था, उन लोग जिनको मिला है वैसा उनको देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इतने सुखी हुए हैं जितना ये समझ पाने के बाद जो असली सुख का अनुभव होता है। दोनों को कंपेयर करें तो साफ साफ ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलेगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि प्रत्यक्ष यानी को दीपक भाई को मिलने के बाद ही उनके उनके उनकी समझ से उनके आसपास रहने से उनके पास खुद इतना सुख है, वो सुख का अनुभव करने से फिर बाद में पता चलता है कि भाई कि ये चीज़ पाने जैसी है। मिलियन डॉलर हाउस, फरारी 460, वो सब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये सब पाने के बाद भी दुखी ही रहने वाले हैं, वो तो यकीन है। लेकिन ये एक बार मिल गया उसके बाद कभी दुखी होने का चांस रहेगा नहीं, वो उसका यकीन है।